अनिल जी, मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक बैंकिंग का है जहां पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, वो है फेडरल बैंक। अब फेडरल बैंक 202 रुपए चल रहा है अभी। 197 का स्टॉप लॉस रखे, 208 और 212 का टारगेट। यहाँ पे पिछले 4-5 दिन में एक लोअर लेवल्स पे थोड़ा अक्यूमुलेशन हुआ था 192 और 195 के बीच में, और स्टॉक पिछले 2 दिन से अपने जो 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर वापस से आ गया, रिक्लेम कर लिया है, और कल एक बढ़िया सा एक बड़ा कैंडल बना था वॉल्यूम बेस्ड। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फेडरल बैंक में, और अगर हम बाकी के सारे बैंकिंग स्टॉक्स भी देखें, प्राइवेट मिड कैप या बड़े बैंक्स में, तो कोई भी अपने स्विंग हाईस के तरफ नहीं है, सारे के सारे लोअर लेवल से रिकवर कर रहे हैं, और ये एक ही स्टॉक है जो अपने स्विंग हाई के तरफ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ बेटर है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम्स ऑफ चार्ट्स। तो 197 के स्टॉप लॉस से 209 और 213 के टारगेट्स के लिए फेडरल बैंक में खरीदारी करी जा सकती है। ओके, फेडरल बैंक में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती है। आइए अगला भी गोल है सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर।